रास्ते में भी पड़ेंगे। लेकिन मैंने जब टेलीफोन पर आपसे बात किया, रिश्तेदारी क्या है? रिश्तेदारी मानने मंत्री जी को पता है। पहले ये अब ये पटल पर आ गया ना, सबको पता है। कांग्रेस में थे पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद बहुजन में गए, और बहुजन में चलिए अच्छा एमपी हो गए, चलिए हमारे छोटे हैं, हमसे छोटे हैं, चलिए एमपी भी हो गए, और फिर राज्यसभा में भी चले गए, और फिर आज डिप्टी सीएम हो गए। नियम 56 के अंतर्गत आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की हालत बहुत ही खराब है, बुरी हालत में है। जिला अस्पतालों में भी बहुत बुरी हालत है, डॉक्टर भी नहीं है, दवाएं भी नहीं है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो बहुत ही बुरी हालत है। सभी प्राथमिक अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो ताले पड़े हुए हैं, स्टाफ नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, और वहाँ के कहीं पर तो कोई व्यवस्था नहीं, तो इतनी परेशानी है, और बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, डेंगू जैसी बीमारियां हैं, तपेदिक जैसी बीमारियां हैं, तो इतने लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग, वैसे तो विज्ञापनों में तो ये लगता है पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं, और धरातल पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा वेंटिलेटर पर है, पूरा का पूरा वेंटिलेटर पर है, और यहाँ तक कि कोरोना के समय पर जितने भी वेंटिलेटर खरीदे गए थे, आज कोई भी वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और यहाँ तक कि जो भी टेस्ट के लिए अगर एक्सरे कराना है तो एक्सरे के नाम पर समय दे दिया जाता है, और समय देने के साथ साथ वसूली भी हो रही है। और यहीं तक नहीं, यहाँ तक सीएससी के बारे में माननीय मंत्री जी, सीएससी एक हमारे शाखा ब्लॉक में एक सीएससी बनी हुई है, और बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और करीब करीब उसे चालू होते हुए 6 साल हो चुके हैं, अभी तक कहीं पर भी डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, और यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पर मैंने अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपया दिए थे, पत्र भी लिखा, मंत्री जी को भी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा पत्र, लेकिन आज तक न तो वहाँ पर कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, स्टाफ नर्स की कोई वार्ड बॉय की भी नहीं हुई है, पूरा का पूरा हमने जब निरीक्षण किया एक दिन, और वहीं पर तहसील है, ठीक सामने तहसील भी है, और वहीं पर ब्लॉक भी है, और हमारे प्रतिनिधि ने जिला अधिकारी को और सीएमओ को भी कई बार चिट्ठियां भी लिखी, माननीय मंत्री जी को हमने चिट्ठी लिखी, टेलीफोन पर भी कई बार कहा, मैंने कि कम से कम मंत्री जी एक बार सैफई मेडिकल आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षित किया, दौरा कर लो, निरीक्षण कर लो,
माननीय मंत्री जी, वैसे तो आप छापा भी बहुत मारते हैं, बहुत छापा मारते हैं, और छापा मारने के साथ साथ दरबार भी लगाते हैं। अच्छी बात है, दरबार लगाते हैं, अधिकारियों को भी बुला लेते हैं, अधिकारी आ भी जाते हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर मंत्री जी का कोई असर नहीं पड़ता है। चिट्ठी भी लिख देते हैं माननीय मंत्री जी, चिट्ठी भी लिख देते हैं माननीय मंत्री जी, चिट्ठी भी लिख देते हैं, लेकिन चिट्ठी का भी कोई भी अधिकारियों पर असर नहीं पड़ता है। तो बताइए, ऐसे छापा मारने से क्या फायदा है माननीय मंत्री जी? और माननीय मंत्री जी ने कल समाजवादियों के लिए कुछ कह डाला। अब मान लीजिए हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में विपक्ष की भूमिका तो अपनाएंगे ही, विपक्ष की भूमिका तो हम लोगों को अपनाना ही है, और हम लोग तो समाजवादी हैं। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।